दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि का कारक और एक शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि के बाद गुरु स्लो स्पीड से चलने वाला ग्रह है और यह किसी एक राशि में करीबन 13 महीनों तक भ्रमण करते हैं, फिर दूसरी राशि में गोचर करते हैं। गुरु का गोचर सभी राशि के जातकों के लिए विशेष प्रभावी होता है। जब भी गुरु का गोचर होता है तो इसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। आपको बता दें कि गुरु 22 अप्रैल से अपनी राशि स्वामी मीन की यात्रा को विराम देते हुए अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो अभी तक इस राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अब गुरु जल्द ही अपनी राशि बदलने वाले हैं। इसके अलावा गुरु को शुभ और अच्छा परिणाम देने वाला ग्रह माना जाता है। जिन भावों में गुरु की दृष्टि पड़ती है उन भावों से संबंधित फलों में वृद्धि होती है, यानी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। गुरु के शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने से कुछ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं 1 मई को गुरु के गोचर से किन राशियों का भाग्य चमकेगा। इसमें पहली राशि है वृषभ राशि। गुरु का गोचर आपकी राशि से प्रथम भाव में हो रहा है। इस राशि के जातकों के लिए गुरु 8वें और 11th भाव के स्वामी है। वृषभ राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी करने वाला होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। इसके अलावा सुखद समाचार प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। वृषभ राशि में गोचर करने से आपके वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य भी उत्तम रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि, जो कि है मिथुन राशि। गुरु का गोचर मिथुन राशि के जातकों के द्वादश भाव यानी 12वें भाव में होगा। इस तरह से मिथुन राशि के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी होंगे। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ, छठे और अष्टम भाव पर होगी। इसके साथ ही आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, लेकिन इससे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मई माह में गुरु का गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है और ये आपके छठे और नवम भाव के स्वामी है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला रहने वाला है। इस समय आपको अपने व्यवसाय में इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि, जो कि मकर राशि। गुरु का गोचर होने से मकर राशि के जातकों के लिए पंचम स्थान पर होगा। देवगुरु बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। कुंडली के 5वें भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, प्रेम और संतान के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लाभ स्थान और प्रथम स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।